नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। आज के युग में अच्छी संतान प्राप्ति किसी विशेष को ही होती है। अक्सर आपने अपने आसपास अपनी संतान को कोसने वाले बहुत से माता पिता देखे होंगे। किसी को शिकायत रहती है कि उनका बच्चा उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, तो कोई कहता है कि संतान सेवा कारक नहीं है। कुल मिलाकर शायद ही ऐसा कोई मिले जो अपनी संतान से पूरी तरह से संतुष्ट है। आखिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है? उस समाज में जहां राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र हुए, तो वहीं श्रवण जैसे सेवा कारक पुत्र भी थे, जहां सीता जैसी चरित्रवान पुत्रियों का भी जन्म हुआ। किंतु आज की ज़्यादातर संतानें इन गुणों से रहते हैं। इसका कारण शायद माता पिता का ही धर्म, रीति रिवाजों व मान्यताओं से दूर हो जाना है। भारतीय संस्कृति में पहला संस्कार ही गर्भधारण संस्कार है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ, दीर्घायु, बुद्धिवान व कुलीन संतान की प्राप्ति है। बदलते परिवेश ने सब कुछ बदल दिया। हमारी सोच को, हमारे रहन सहन को और साथ ही हमारी परंपराओं के प्रति हमारे नज़रिए को भी। आधुनिक संस्कृति ने जीवन को सुखी बनाने के नाम पर हमें जो कुछ भी परोसा, हम ग्रहण करते गए बिना यह सोचे कि विदेशी कंपनियाँ जीवन को सुखी बनाने के नाम पर हमें जो परोस रही हैं, वह कितना वैज्ञानिक है। इसलिए हमने खो दिया अपना सुकून। भारतीय शास्त्रों ने हमें जो ज्ञान प्रदान किया, उसका मूल उद्देश्य मानव जीवन व मानव समाज की उन्नति है। इन्हीं शास्त्रों में हमें उत्तम संतान प्राप्त करने हेतु गर्भाधारण संस्कार का उल्लेख मिलता है। क्या है गर्भाधान या गर्भधारण संस्कार? हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा ही जीवन की प्रक्रिया शुरू होती है। गृहस्थ जीवन का मुख्य उद्देश्य संतान उत्पत्ति माना गया है। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों के आधार पर कुछ नियम बनाए थे। इन्हीं नियमों का पालन करते हुए संतान प्राप्ति के लिए किया गया आवश्यक कर्म ही गर्भाधान संस्कार कहलाता है। माना जाता है कि जब स्त्री के गर्भ में जीव स्थान ग्रहण करता है, तब गर्भाधान संस्कार के द्वारा जीव के पूर्व जन्म के विकारों को दूर कर उसमें अच्छे गुणों की उन्नति की जाती है। माँ की भूमिका। शिशु को सुसंस्कारित बनाने का सबसे उपयुक्त समय उसका गर्भकाल है। गर्भकाल में माँ का चिंतन, चरित्र और व्यवहार तीनों ही गर्भ में पल रहे शिशु को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में माँ जिस तरह के बच्चे की कल्पना करती है, जिस तरह का भोजन करती है, जिस प्रकार का वातावरण उसे मिलता है, वह सब बच्चे के अंदर सूक्ष्म रूप में समाहित होता रहता है। माँ की आदतें, इच्छाएं इत्यादि भी संस्कार रूप में उसकी संतान के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जो समय अनुसार परिलक्षित होती हैं। गर्भाधान संस्कार की विधि। गर्भधारण से पूर्व ही गर्भ संस्कार की शुरुआत हो जाती है। गर्भवती स्त्री की दिनचर्या, आहार, प्राणायाम, ध्यान, गर्भस्थ शिशु की देखभाल आदि का वर्णन गर्भ संस्कार में किया गया है। गर्भवती स्त्री को प्रथम 3 महीने में बच्चे का शरीर सुडोल व निरोगी हो, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। 3rd से 6th महीने में बच्चे की उत्कृष्ट मानसिकता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। 6th से 9th महीने में उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आखिर क्यों आवश्यक है गर्भधारण संस्कार? वर्तमान समय में सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बच्चों पर ही है। बच्चे ही समाज व राष्ट्र का भविष्य हैं। बच्चे ही इस देश की प्राण ऊर्जा हैं। यदि इन बच्चों को ठीक प्रकार से गढ़ा ना जाए, तो उनमें सही दृष्टि का निर्माण नहीं किया जा सकेगा, तो उनकी कुंठित सोच परिवार तो क्या, समाज के लिए भी घातक होगी। गर्भाधान कर्म पर क्या कहते हैं धर्मग्रंथ? भारतीय शास्त्रों में गर्भाधान कर्म को एक पवित्र संस्कार का स्वरूप प्रदान किया गया है। शास्त्रों में यह मान्यता है कि स्त्री पुरुष समागम काल में पति पत्नी के विचार, व्यवहार, भावी संतति के संस्कार को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। केवल इंद्रिय सुख के उद्देश्य से संपन्न समागम के फल स्वरूप जो गर्भाधान होता है, उससे धार्मिक, सदाचारी और यशस्वी संतान प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। अतः सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार में पति पत्नी के तन मन की पवित्रता के साथ साथ मांगलिक परिवेश और ईश्वर की आराधना का विशेष महत्व रहता है। गर्भाधान में क्या है मना? गर्भाधान के लिए शाम का समय सही नहीं माना जाता। एक प्राचीन कथा के अनुसार
एक बार दक्ष पुत्री दिप्ति ने कामवश होकर शाम के समय ही अपने पति महर्षि कश्यप से पुत्र प्राप्ति हेतु समागम की प्रार्थना की। महर्षि कश्यप ने इस कार्य के लिए सायंकाल के समय को अनुचित बताते हुए दिप्ति को कुछ समय तक प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन उचित अनुचित के बारे में ना सोचते हुए दिप्ति ने पति के साथ समागम किया। बाद में दिप्ति इस निंदित कर्म से स्वयं लज्जित होकर अपनी भावी संतान की चिंता करने लगी, किंतु अब इसका कोई हल नहीं था। महर्षि कश्यप ने दिप्ति से कहा कि तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था और समय भी ठीक नहीं था। तुमने मेरी बात नहीं मानी और इसलिए तुम्हारे गर्भ से दो बड़े अमंगलमय पुत्र उत्पन्न होंगे जो संपूर्ण लोक को अपने अत्याचारों से त्रस्त करेंगे। गर्भाधारण संस्कार के बारे में क्या कहता है विज्ञान? विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि गर्भ में शिशु सुनता है और ग्रहण भी करता है। माँ के गर्भ में आने के बाद शिशु को संस्कारित किया जा सकता है। हमारे पूर्वज इन बातों से भली भांति परिचित थे, इसीलिए उन्होंने गर्भाधान संस्कार को भारतीय संस्कृति का प्राण 16 संस्कारों में से एक मानकर उसे पूर्ण पवित्रता के साथ संपन्न करने की प्रथा प्रचलित की। सो दोस्तों, यह थी गर्भधारण संस्कार से जुड़ी जानकारी। ऐसी किसी नए विषय की जानकारी लेकर फिर आपके रूबरू होंगे। जुड़े रहिए चैनल D5 हिंदी के साथ।